हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मॉम एंड हिनाया। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ बेस्ट ब्रेस्टफीडिंग टेक्निक्स के बारे में। हम मदर्स को बहुत बार प्रॉब्लम आती है कि बेबीज जो है फीड नहीं कर रहे हैं, हमें कंफर्टेबल पोजीशन नहीं ले पा रहे हैं जिससे हम बेबी को प्रॉपरली फीड करा सके। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप किस तरह से, अगर आपके बेबी को फीड कराने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप किस तरह से अपने निपल को बेबी को माउथ में इंसर्ट करें जिससे बेबी इजीली फीड कर सके, या किस किस तरह की ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक्स होती हैं जिन्हें आप बेबी को फीड कराने के लिए यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली 5 जो बेस्ट ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक्स हैं उन्हें मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ आपको। साथ ही मैं आपको बताऊँगी अगर आपका सी सेक्शन है तो आप किस तरह से अपने बेबी को फीड कर सकती हैं, और अगर आपको ट्विंस हैं तो आप किस तरह से बेबी को फीड कर सकती हैं। तो ये सब चीज़ें मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। बेस्ट ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक बताने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप किस तरह से बेबी को जो है कन्वीनियंटली फीड करा सकते हैं। तो जैसे बेबीज बहुत से होते हैं कि माउथ ओपन नहीं कर रहे हैं, आप इजीली उन्हें फीड नहीं करा पा रही हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो है बेबी की नोज़ की तरफ अपने निपल को लेना है। बेबी जब मुंह ओपन करता है, अपने माउथ ऊपर करता है, तो उसके बाद आपको बहुत ही कन्वीनियंटली, जिस तरह से इसमें इमेज में हम शो कर रहे हैं उस तरह से, बहुत ही स्लोली आपको बेबी के मुँह में निपल देनी है। फिर बेबी उसके बाद ऑटोमेटिकली जो है निप्पल मुंह में लेने के बाद वो फीड करना स्टार्ट कर देगा। थोड़ा स्टार्टिंग में आपको डिफ़िकल्टी आ सकती है बेबी, क्योंकि कभी कभी टाइम भी लगाता है स्टार्ट करने में, पर इस तरह से जो टेक्निक है वो सबसे कन्वीनियंट है और बेस्ट टेक्निक है। अगर आप इस तरह से फॉलो करेंगी तो बेबी को आपको फीड कराने में ईजी रहेगा। अब हम बात करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक्स की। तो फ्रेंड्स, ऐसे तो कई तरह की ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक्स होती हैं जिनसे मदर्स जो है बेबीज़ को बहुत कन्वीनियंटली फीडिंग दे सकती हैं, बेबीज़ के लिए बहुत कन्वीनियंट होती है। हर मदर्स अलग तरह की टेक्निक में कंफर्टेबल फील करती हैं, तो ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह की टेक्निक में, कौन सी वाली फीडिंग टेक्निक आपको बेस्ट सूट होती है और आप किस में कंफर्टेबली बेबी को फीड करा सकती हैं। तो मैं आपको कुछ 5 बेस्ट जो फीडिंग टेक्निक्स है जो सबसे ज़्यादा मदर्स के लिए कन्वीनियंट होती है, उन 5 टेक्निक्स के बारे में इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। फर्स्ट टेक्निक जो हमारी है वो है क्रैडल। ये एक सबसे ज़्यादा पॉपुलर फीडिंग टेक्निक होती है, ये सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट टेक्निक भी इसे कहा जाता है। इसमें आप अपने लैप पर चाहे तो पिलो रखकर बेबी को फीड करा सकते हैं, उससे ये और ज़्यादा इजी हो जाता है फीड कराना। इसमें आपको अपने एल्बो पर बेबी के हेड को रखना होता है और दूसरे हाथ से बेबी के बैक को सपोर्ट करना होता है, जिस तरह से आप इन इमेजेस में देख सकते हैं कि किस तरह से ये फीडिंग टेक्निक्स को यूज़ करा जाता है। सेकेंड टेक्निक है हमारी क्रॉस क्रैडल, या हम इसे मॉडिफाइड क्रैडल टेक्निक भी कहते हैं। इसमें आप इमेज में देख सकते हैं कि किस तरह से जो ब्रेस्ट हम यूज़ कर रहे हैं उसके अपोजिट साइड वाला जो हैंड है वो हम बेबी के हेड के सपोर्ट के लिए यूज़ करते हैं, और जिस ब्रेस्ट से फीड कर रहे हैं उस हैंड को हम यूज़ करेंगे अपने ब्रेस्ट को अपलिफ्ट करने में, ताकि बेबी को फीड करने में ईजी रहे। इसमें आप चाहें तो अपने लैप पे पिलो रख कर बेबी को फीड कर सकते हैं, उससे फीडिंग और ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाती है। लेट बैक ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक, ये टेक्निक आप जैसे कि इमेज में देख सकते हैं, इसमें बेबीज़ को मदर्स अपने ऊपर लेटा के ब्रेस्ट फीड कराती हैं। ये ज़्यादा पॉपुलर टेक्निक नहीं है, बट फिर भी कुछ मदर्स इसे यूज़ करती हैं जिन्हें कन्वीनियंट रहता है इस तरह से फीड कराना। तो अगर आपको भी कन्वीनियंट होता है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज साइड लेइंग टेक्निक। साइड लेइंग टेक्निक जो है ये मोस्टली मदर्स नाइट में यूज़ करती हैं, जब वो स्लीपी होती हैं और उनकी बॉडी में इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो बैठ कर ब्रेस्ट फीड कर सके। और साथ ही में ये बहुत कंफर्टेबल पोजीशन है सी सेक्शन वाली मदर्स के लिए, क्योंकि इससे स्टिचेस पर प्रेशर नहीं आता है और बेबी को फीड कराने में बहुत इजी रहता है। इस टेक्निक के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। फर्स्टली, डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग अगर आप लेट कर बेबी को फीड कराते हैं तो आपको बैक एक की दिक्कत हो सकती है फीडिंग टाइमिंग में, और साथ ही में बेबी को जो है वो मिल्क डाइजेस्ट करने में भी डिफ़िकल्टी हो सकती है। तो अगर आपको इम्पॉर्टेंट हो तो ही आप साइड लेइंग टेक्निक का इस्तेमाल करें, अदरवाइज इसे यूज़ ना करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फुटबॉल होल्ड टेक्निक। ये एक बहुत कन्वीनियंट टेक्निक है उन मदर्स के लिए, स्पेशली जिनका सी सेक्शन हुआ है या फिर जो मदर्स को ट्विंस हुए हैं। इस टेक्निक में आप देख सकते हैं कि किस तरह से मदर्स पिलो पर बेबी को कैरी करके जिस साइड के ब्रेस्ट से आप फीड कर रहे हैं बेबी को, उसी साइड के ब्रेस्ट पर आपको हेड रखना है और साइड आर्म्स के नीचे से बेबी के लेग्स को लेते हुए इस तरह से आपको बेबी को फीड करना है। ये एक बहुत कंफर्टेबल टेक्निक है सी सेक्शन मदर्स के लिए और ट्विंस वाली मदर्स के लिए, तो आप इस टेक्निक को ज़रूर ट्राई करें अगर आपका सी सेक्शन है या ट्विंस है,
और आप बाकी टेक्निक्स को भी ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं कि आपको मेरी कौन सी बताई हुई टेक्निक बेस्ट लगी और आप किस टेक्निक में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है अपने बेबी को फीड कराने। तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं कि आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा और आप मेरा नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो आज का पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।